अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खुश हों और आबाद होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को आज रिव्यू देने वाली हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है, हेल्थ स्किन का और डेड स्किन का, ब्लैक स्किन का। तो रिव्यू देने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, आप लोग सब्सक्राइब करें और विथ बिल प्रेस करें ताकि आप मेरी हर वीडियो को आसानी से देख सकें। देखी हूँ मैं, चार्जुल मास्क है और ये वाइटनिंग स्पेशली ब्लैक मास्क है, जो कि आप लोगों का कलर मतलब स्किन फेयर नहीं होती, ये उनके लिए है। और जिसको अपना चेहरे पे मतलब बाल वगैरह का इशू होता है गर्ल्स को, तो जो चाहती हैं हमारे बाल रिमूव हो जाएं बिना कुछ ज़्यादा हार्ड डेमो यूज़ करने के बजाय, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा ये कहा है, जो मैं घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैं आप लोगों को उसी का रिव्यू देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से रिव्यू नहीं देती। तो ये हमारे घर में मेरी भाभी है, उसके स्किन पे बहुत बाल हैं, तो वो ये इसका इस्तेमाल करती है। उसके बालों का भी माशाल्लाह से इशू ख़त्म हो गया है, बाल वगैरह भी ग्रोथ उसकी पहले से कम हो गई है। तो ये आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है इसका मैं एंड में बताऊँगी। तो रिव्यूज़ का मैं ये दे रही हूँ, इसके बेनिफिट बता देती हूँ। उससे एक तो आपका चेहरे का जो है स्किन का हेयर ग्रोथ नहीं होगा और जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा सेकंड आपको इसका बेनिफिट बता रही हूँ, आपका जो चेहरा ब्लैक ब्लैक सा है वो आपका एक जैसी स्किन हो जाएगी और फेयर हो जाएगी, साफ़ सुथरी। और थर्ड इसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, जो कि आपका स्किन पर मतलब ओपन पोर्स हो जाते हैं लार्ज, वो आपके बंद हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और इसको लगाने से आपको बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने आपको चंद बताए हैं। और स्पेशली ये हेयर के लिए है, जो मतलब व्यूमेन चाह रही हैं हमारा। मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे हेयर के बारे में, हमें बताएं इस फेस के लिए जो जिससे हमारा हेयर ग्रोथ जो है कि कम हो जाए, इसी वजह से मैंने इसका रिव्यू दिया। मैंने घर में ये इस्तेमाल हो रहा है तो मैंने सोचा जिससे फ़ायदा हो रहा है घर में तो मैं अपनी फ्रेंड्स को व्यूअर्स को भी दूँ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन के साथ प्रेस करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।